वेलकम टू माय न्यू वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल गाइस। आज मैं आपको आरवी भाई की एक और न्यू वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। गाइस आपने आरवी भाई के लिए जूमिंग एंड जूम आउट वाला कुछ इस टाइप का आपने इफेक्ट देखा ही होगा। सो गाइस काफी ज्यादा कमाल की वीडियो लगती है, ठीक है, उस इफेक्ट से। सो गाइस ये इफेक्ट जो है एक क्लिक में नहीं बनता, इसकी थोड़ी अलग टेक्निक है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अगर आपने वो टेक्निक सीख ले तो गाइस आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगेगी, आपकी वीडियो बिल्कुल आरवी भाई जैसे बनेगी और काफ़ी सिंपल है, ठीक है, हार्ड भी नहीं है। और गाइस मैंने आरवी भाई में पहले ही 2-4 वीडियोज बनाए, तो गाइस जरूर देखना, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस आरवी भाई पे कोई और यूट्यूबर वीडियोस नहीं बनाता है, सो मैं ही बना रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। तो गाइस सपोर्ट जरूर करना, ठीक है, अपने भाई को। तो चलिए तैयार करते हैं वीडियो को शुरू बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो गाइस एडिटिंग के लिए आपको कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको कर लेना है ओपन और VPN से कनेक्ट कर लेना ना गाइस, ठीक है। और गाइस फिर जाना आपको न्यू प्रोजेक्ट पर, गाइस यहाँ से आपको अपना वीडियो सेलेक्ट करना है जिसको आप जूमिंग करना चाहते हो आरवी भाई के जैसा। सो यहाँ पर मैंने आरवी भाई का वीडियो सेलेक्ट किया, उसको ही मैं दोस्तों आपको करके दिखाऊंगा उसके ऊपर ही, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैं वॉइस ऑफ कर देता हूँ। मेरे पास एक नॉर्मल सा वीडियो, ठीक है, इसमें कोई जूमिंग इफेक्ट ऐड नहीं है। सो गाइस पहले एक मैं ब्लैक पार्ट को हटा देता हूँ, आप भी हटा देना। एंड गाइस जब भी आपको अपने दो फिंगर से इसको थोड़ा सा जूम कर लेना गाइस। सो यहाँ पर देख सकते हो एक नॉर्मल वीडियो जो कि इस टाइप से प्ले हो रहा है, और इसके अंदर हम इफेक्ट को ऐड करेंगे। सो गाइस इसके अंदर जो हम टेक्निक यूज करने वाले उसको बोलते हैं की फ्रेमिंग, और जो गाइस की फ्रेमिंग होती है वो काफी ज्यादा प्रो लेवल का फ्यूचर है, और ये अगर आप सीख गए तो दोस्तों आपकी वीडियो काफी ज्यादा कमाल की एडिट होगी। और इसके जरिए से दोस्तों आप अपने की फ्रेम के जरिए से अपने फोटो में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो प्रो लेवल के एडिटर बनना चाहते हो तो गाइस वीडियो को एंड देखना, ध्यान से देखना। चलिए गाइस बताता हूं मैं गाइस। सो गाइस सबसे पहले अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने एक वीडियो सिलेक्ट की है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले जूमिंग इफेक्ट ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। सो इसको क्या करना गाइस, आपको सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, और अब गाइस बारी है की फ्रेमिंग। तो की फ्रेमिंग करने के लिए गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायमंड जैसा, ये रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं की फ्रेमिंग, ठीक है। यहां पर प्लस माइनस, अगर माइनस करोगे तो ये हट जाएगा, प्लस करोगे तो आप देख सकते हो यहां पर एक छोटा सा रेड वाला डायमंड जैसा बन गया, ठीक है। ये मैंने कर दिया प्लस, यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर हमारी की फ्रेम ऐड हो गई। तो अब यहाँ पर फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड कर देना, फिर लास्ट में जाना एंड इसको कर देना यहाँ से जूम, ना जूम करना चाहो आपको कर लेना जूम। तो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग जाएगी, पहले एक की फ्रेम लगाओगे फिर ऑटोमेटिक जब भी आप वीडियो को मूव करोगे तो ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड हो जाएगी। तो अब गाइस मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारी एक नॉर्मल सी जूमिंग वीडियो यहाँ पर कैसे बन गई है, ठीक है। सो गाइस अभी गाइस ये जो जूम हो रहा है पर स्मूथली जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जूम तो हो रहा है लेकिन अच्छे से स्मूथली जूम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना गाइस, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक दी है वो बताता हूं। तो आपको सबसे पहले की फ्रेम ऐड कर देना है फर्स्ट में और लास्ट में, तो जरूरी नहीं है गाइस आप लास्ट में ऐड करो, आप जहां पर रखना चाहो वहां तक रख सकते हो। जैसे कि अगर आप समझो यहां से आप यहां तक जूम करना चाहो तो यहां तक की आपको वीडियो को लेके जाना हो, यहां से जूम करके की फ्रेम ऐड कर देना है। तो मैं अभी सबसे पहले इसको मैं स्मूथ करके दिखाता हूं। जैसे गाइस आपको क्या करना है, की फ्रेम लगा के आपको इसी बीच वाले पार्ट में आना है एंड यहां पर जाना आपको ग्राफ वाले ऑप्शन पर, साइड में ग्राफ वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये की फ्रेम और ये रहा ग्राफ वाला ऑप्शन। यहां पर बहुत सारे ग्राफ हो जाएंगे, ये दोस्तों आपकी की फ्रेमिंग को स्मूथ कर देगा, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। सो ये वाला आप देखो कितना स्मूथ है, पहले स्लो है एंड फिर एकदम से आता है। तो बहुत सारे अलग अलग ग्राफ यूज करते हो, ठीक है, सारे अलग अलग डिफरेंट ग्राफ है। इसको दोस्तों ग्राफ को यूज करके अपनी वीडियो भी काफी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखो, सो ये पहले जूम होता है फिर जूम आउट, एकदम से जूम होता है। सो ये वाला भी है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक है गाइस। सो ये वाला देखो, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ दिए, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, कितना कमाल का हमारा। सो ये बीट पे दोस्तों काफी ज्यादा वर्क करेगा, अगर आपको आपका म्यूजिक बीट वाला है तो उसमें काफी ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। आप एक ही क्लिक में इसके अंदर इतने सारे इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है, देख सकते हो कितना कमाल का हमारा वीडियो यहाँ पर बन रहा है। इसी टाइप से गाइस अपने वीडियो को क्रिएटिव बना सकते हो ग्राफ के जरिए। सो ये तो मैंने सिंपल तरीका बताया। सो यहाँ पर मैं एक ये वाला ईज आउट रख रहा हूँ, ठीक है, तो इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस इसको मैं की फ्रेम हटा के आपको मैं दूसरी टेक्निक दिखाता हूं। यहाँ से मैंने की फ्रेम हटाया, और हटाने के लिए गाइस बस आपको की फ्रेम पॉइंट पे जाना है, यहाँ से कर देना माइनस। तो यहाँ पर की फ्रेम हट गया, मैं वीडियो को नॉर्मल कर देता हूँ, ये वीडियो हमारी जूम है इसको मैं छोटा कर देता हूँ जैसा, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, ये तो मैंने बताया नॉर्मल तरीका जूम का, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट जूम वाला दिखाता हूँ, फिर से करता हूँ सेलेक्ट, यहाँ पर कर दिया प्लस। अब गाइस मैं यहाँ तक इसको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ तक इसको मैं जूम करना चाहता हूँ रोटेट होते हुए। तो इसके लिए कैसा करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को दो उंगली से सेलेक्ट करके इसको जूम करते जाना है रोटेट करते हुए, ठीक है, इसको जूम करते जाना है रोटेट करते हुए, ठीक है। देखो मैं जूम भी कर रहा हूँ इसको, रोटेट भी कर रहा हूँ इस टाइप से। तो अब गाइस यहाँ पर हो गया, कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा वीडियो, ठीक है, आप देख सकते हो कैसे बन रहा है। और इसके अंदर की फ्रेम ऐड करना, की फ्रेम के बीच में जाके ग्राफ पे जाके यहाँ पर ग्राफ को ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ है, मैं कौन सा
यूज कर रहा हूँ। तो ये मैंने ये ईज इन 3 कर दिया, ठीक है। सो हमारा वीडियो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। सो गाइस अब गाइस क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाके इसको वापस जूम आउट करूंगा। सो मैं क्या करूंगा, की फ्रेम को ऐड करूंगा, इसको फिर से दोस्तों रोटेट करते हुए, ठीक है। तो मैं रोटेट करते हुए इसको वापस छोटा कर दूंगा, इस टाइप से रोटेट करते हुए वापस छोटा कर दिया, तो अच्छे से एडजस्ट कर देता, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पर देखते तो प्रॉपर यहाँ पर रोटेट नहीं हुआ हमारा वीडियो, हो जा। आपको इससे थोड़ा अलग टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वीडियो जो यहाँ पर प्रॉपर सही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। तो गाइस अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना गाइस, आपको यहाँ पर मिलेगा बेसिक वाला ऑप्शन, और यहाँ से गाइस आपको कर सकते हो वीडियो को अच्छे से सीधा, ठीक है। यहाँ पर रोटेशन पे जाके आपको वीडियो को सीधा कर लेना है कुछ टाइप से, ठीक है। यहाँ पर हो गया कम्प्लीट, ठीक है। यहाँ पर स्केल्स पे जाके इसको अच्छे से बड़ा कर सकते हो, एंड पोजिशन को भी यहाँ से कर देते हो 0-0 कर देना, ठीक है। तो आपकी वीडियो परफेक्टली हो गई, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली इफेक्ट कुछ इस टाइप का बनेगा, पहले यहाँ पर हमारा जूम हो रहा और फिर जूम आउट। तो अब गाइस यहाँ पर भी की फ्रेम के ग्राफ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर कर दिया मैंने इज आउट 3, ठीक है। सो हमारी वीडियो कुछ इस टाइप से क्रिएट हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये ऐसे होगी फिर ऐसे होगी, ठीक है। आप जहाँ तक दोस्तों जूम रखना चाहो वहाँ पर बस सिंपली आपको की फ्रेम को ऐड कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा है, यहाँ पर जूम हो रहा है, यहाँ पर जूम आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर से दोस्तों आप की फ्रेम को ऐड कर, जैसे कि मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा लास्ट में, अब मैं इसको करूँगा फिर से जूम, ठीक है। तो अब क्या करेगा इससे, हमारी वीडियो टोटल इस टाइप से कुछ एडिट होगी, यहाँ पर वीडियो जूम हो रही है, यहाँ पर जूम आउट हो रही है, ठीक है, और फिर से यहाँ पर इस टाइप से जूम हो रही है। तो इस हिसाब से क्रिएटिव इफेक्ट कर सकते हो गाइस की फ्रेमिंग के मदद से। तो गाइस आई होप दोस्तों आपको पूरा इसका जो है वो डिटेल में समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आपको मैं इंस्टाग्राम पे जरूर थोड़ा बहुत समझा दूंगा अगर मैं समझा पाया था टेक्स्ट में, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस आप मैं समझा दूंगा, ठीक है, अगर आप मैसेज करोगे, एंड इस वीडियो से शायद आप समझ ही गए होगे, ठीक है, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। और गाइस फिर आपको क्या करना, सिंपली आपको यहाँ से वीडियो को सेव कर देना, ठीक है। तो गाइस ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ गाइस कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी, और मेरे और भी आरवी भाई भी वीडियोस बनी है तो वो भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच गाइस।